मैं प्रिय हरकर सफाई कामगार अभ्युदय संघ की तरफ से, क्योंकि काम करते हैं सफाई कामगार महिला और पुरुष दोनों के इश्यूज पे, दोनों के इश्यूज और दोनों के प्रश्नों के ऊपर। और जब हम बात करते हैं सफाई कामगार की, तो ये एक ऐसा तबका मुझे लगता है कि जो हम सब जिसे हम सब डेली देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, वो अदृश्य है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसका तो काम ही यही है, क्योंकि उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है। और हमें लगता है कि वो भी एक इंसान है जिसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी कुछ इश्यू हो सकते हैं, तो हम उसे सिर्फ देखते हैं एक सरकारी कर्मचारी की दृष्टि से, जिसका सिर्फ काम है कचरा उठाना, सफाई करना और बस, इसके अलावा कुछ नहीं। परेशानी तो बहुत है इस काम के अंदर, और इस काम को एक विशिष्ट समाज का ही समुदाय जो है वो करता है, और वो दलित है। 100% दलित जो है वो इस काम, सफाई के काम में है, क्योंकि कोई और आना चाहता ही नहीं है इस काम के अंदर। और हमारे लोग जो हैं वो इतने शिक्षित भी नहीं है कि वो कुछ और कर सके, ना ही वो इतने कॉन्शियस है, क्रिटिकल कॉन्शियस है। सो इनके अंदर भी कहते हैं ना, शोषितों के अंदर भी एक और समाज है जो मुझे लगता है अति शोषित हम जिसे बोलते हैं, जैसे दलित और अति दलित होते हैं ना, वैसे ही शोषित और शोषितों के अंदर एक अति शोषित समाज है, और वो समाज है हमारी महिला सफाई कामगार। सबसे पहली बात, जब हम सुबह 6 बजे या 5 बजे हम जब सुबह उठते हैं, एक सभी हम जो भी जितनी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं वो सब सोच सकती हैं कि जब हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो हम किस लिए उठते हैं? कि हाँ, हमारे बच्चों को जाना है, स्कूल जाना है, हमें उन्हें तैयार करना है, या फिर हमें अपने ऑफिस के लिए जाना है। बट ये जो सफाई कामगार है, इनका जो काम इतना क्रिटिकल काम है कि ये जब सूरज निकलने से पहले इनको 15 मिनट पहले अपनी हाजिरी, जिसे मस्टर्ड बोलते हैं, अपनी प्रेजेंस देने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह 6 बजे अगर ये लोग जाते हैं हाजिरी पे, तो उनको कितने बजे उठना पड़ता होगा? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? 4 बजे। एग्जैक्टली। और अगर ये 4 बजे उठते हैं तो शौच कब जाएंगे? और जब आप शौच की बात करते हैं, तो अगर आप इनके टॉयलेट देखेंगे, वो अंग्रेजों के जमाने के टॉयलेट हैं, जिनका बर्तन आज तक नहीं बदला है। उसकी जो दशा है वो इतनी खराब है कि जब तक आप उस टॉयलेट को तोड़ेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं हो सकता। ना उस टॉयलेट में पानी है, ना उस टॉयलेट के अंदर लाइट है। तो यहाँ बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की भी, जब वहां लाइट ही नहीं है, और जब 4 बजे, आप कैसे इमेजिन कर सकते कि कोई भी एक महिला उस अंधेरे और उस गंदगी में, जो बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे, वो कैसे जाएगी और कैसे एक्सेस करेगी उस बेसिक फैसिलिटी को? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी महिलाओं की। ये तो हो गई घर की बात, पर जब काम की बात आती है तो ये सुबह 6 बजे से दोपहर की 2 या 3 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है, और इस ड्यूटी के ये 8 घंटे की ड्यूटी जो होती है, और आप लोगों को ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इस 8 घंटे की ड्यूटी के जहाँ ये काम करती है, ड्यूटी जाती है, वहाँ इनके लिए कोई भी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या इवन हम लोग प्राइवेट कंपनी से मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं हम लोग, तो हम सब एम्प्लॉई होते हैं, हम एज एम्प्लॉई हमारे लिए बेसिक फैसिलिटीज हमेशा रहती है टॉयलेट की, पानी और टॉयलेट की। बट यहाँ स्थिति इतनी क्रिटिकल है कि ना तो इन औरतों के लिए, हमारी जो महिला सफाई कामगार है, ना तो चेंजिंग रूम है जहाँ ये अपने सुबह कपड़े चेंज कर सके, अपनी यूनिफॉर्म डाल सके, और ना ही इनके लिए टॉयलेट की सुविधा है। और मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहूंगी कि जब हमारी जो महिला सफाई कामगार है, क्योंकि ये नेचुरल कॉल है, किसी को कभी भी आ सकता है, इसका कोई पीरियड नहीं है कि हाँ बहुत डिफाइंड पीरियड है, दोपहर में आएगा या सुबह आएगा या शाम को है, ये कभी भी नेचुरल कॉल है, कभी भी आ सकता है। तो ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ अपने आप को ये लोग रिलीव करते हैं? पार्किंग स्लॉट्स आप लोगों ने देखे हैं, जो गाड़ियां पार्किंग्स में लगी रहती हैं, ये लोग उसके पीछे जाते हैं। और यहाँ प्रश्न आता है महिलाओं की सुरक्षा। आप सोच सकते हैं कि वो महिला अपने साथ में 2 और महिलाओं को साथ में लेके जाती है, और बोलती है कि अब जरा तुम यहाँ खड़ी रहना, कोई आए ना, क्योंकि वो रोड है, वहां से बस भी जाती है, वहां से कार भी जाती है, वहां से ऑटो रिक्शा भी जाते हैं, और वहां से लोग भी जाते हैं, और लोग आर्मी औरत दोनों होते हैं, और ये
ये बहुत संवेदनशील इशू है और ये हमारी अस्मिता का प्रश्न होता है। जब हम डब्बा लेके बाहर जाते हैं ना तो 10 लोग हमें देखते हैं, तो इससे ये एक एट्रोसिटी है ये, जो कि ये बीएमसी के द्वारा ही हो रही है, बीएमसी के एम्प्लॉइज के ऊपर। ये बहुत शर्म की बात है। दूसरी समस्या ये है हमारी कि जब हमारी महिला कर्मचारी काम करती है तो आपको पता है जब वो लोग काम करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 40 साल तक ही वो काम कर पाते हैं, स्पेशली औरतें, क्योंकि आपको पता है औरतों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मैं बहुत सी मेरी ऐसी महिला कामगार सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है, जिन्हें कमर की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका काम ऐसा है, उनका काम उनको आदमी के बराबर काम करना पड़ता है, फिजिकल वर्क। इतनी बड़ी झाड़ू जब वो साथ में लेके चलती हैं और वो कचरा साफ करती हैं तो उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, वो है कचरा, कि मुझे किस तरह से इस कचरे को हटाना है। और रास्ते में अगर आप जैसे या हम जैसे लोग कोई आ जाए और कचरा हल्की सी धूल भी उनके ऊपर पड़ जाए तो वो लोग इनको बोलते हैं इडियट। आप सोच सकते हैं कितने इनसेंसिटिव है हम और आप, क्योंकि हम सिर्फ उनको एक ही नजर से देखते हैं, सफाई वाला, उसको तनख्वाह मिलती है। एक और इशू मैं यहाँ उठाना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोग मेरे जैसे लोग हैं और मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो ये समाज का जो ये अति शोषित वर्ग है, इसकी समस्या है और उसकी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि शायद आप लोग 10 लोगों को जाके बोलेंगे और वो 10 लोग 10 लोगों को जाके बोलेंगे तो शायद समाज का कुछ रवैया हमारे लोगों के प्रति कुछ तो बदल सके। और जब बात आती है यूनिफॉर्म की, तो हर एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म दी जाती है, पर जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म सिर्फ 2 साल में एक बार यूनिफॉर्म दी जाती है, 2 साल में एक बार रेनकोट दिया जाता है, और जो हाथ धोने का साबुन जो दिया जाता है ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप उसको मुंह पे भी नहीं लगा सकते, वो ऐसा साबुन होता है। तो आप एक तो शोषित, ऊपर से अतिशोषित, और फिर उसके बाद एट्रोसिटी, ये तो ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है। हर एक मैं महिला हूं, बहुत सारी आप महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं और आप सब जानते हैं कि हम महिलाओं को हर महीने मंथली प्रॉब्लम रहता है और हमें ये इशू इतना सेंसिटिव है कि हम लोगों को बहुत हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है इस इशू के। बट हम जब हम महिला सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो क्या करें, क्योंकि उनके पास चेंजिंग रूम ही नहीं है, उनके पास वॉशरूम ही नहीं है, उनके पास टॉयलेट ही नहीं है, तो कहाँ वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी। 40 साल की एक औरत जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, 35 साल की एक औरत जिसको हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ इस काम से महिला को काम सिर्फ क्या है, आदमी जो है वो सिर्फ झाड़ू मारेगा और जो महिलाएं हैं वो जो कचरा होता है ना, पत्ता वगैरह जो भी होता है वो भर की टोकरी में डाला, बट नहीं, ये काम उसको नहीं देते, उसको आदमियों के बराबर का ही काम करना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हमारे सफाई कर्मचारी महिलाओं की है, जिनको कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है इस इशू को भी ये माने कि ये भी एक सेंसिटिव इशू है। जब हम बात करते हैं टॉयलेट्स की, हम बात करते हैं लोगों की जिनके पास टॉयलेट की सुविधा है ही नहीं, बट हम क्या करें उन लोगों का जो कि बीएमसी एम्प्लॉयज हैं, जिनका अधिकार बनता है ये बेसिक फैसिलिटीज पाना और जिनको नहीं मिल पाता। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या इनको ये सुविधाएं मिलने का अधिकार है या नहीं है? डेफिनेटली है, बट क्यों नहीं मिलता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो बीएमसी के लोग, जो अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी जो जिम्मेदार है, वो एकदम इतनी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है उन लोगों में। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं और अथॉरिटी आती है देखने, तो वो क्या कहती है कि हम लोग अपने सफाई, अपने घर के संदास खुद साफ करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हो? अरे हमारे घर में पानी है, 24 घंटे हमारे यहाँ पानी आता है, लेकिन उस बीएमसी कॉलोनी में सिर्फ 15 मिनट पानी आता है। उस 15 मिनट पानी में वो टॉयलेट जाएगी, औरत अपने घर का पानी भरेगी, बच्चों को तैयार करेगी, स्कूल के लिए क्या करेगी? तो ये इतनी शर्म की बात है, मुझे लगता है ये बहुत बहुत शर्म की बात है, क्योंकि ये औरतों की अस्मिता का प्रश्न है। और
मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस इशू को एक सेंसिटिव इशू की तरह देखें और प्लीज इस पर विचार करें कि हमारे जो महिला सफाई कामगार है